हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मदर मीट चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हरी मटर पूरे साल कैसे फ्रीजर में स्टोर करते हैं ये सिखाने जा रही हूँ। जैसे कि गर्मी आ रही है और जाड़े खत्म हो रहे हैं, तो अभी जो मटर आपको मिल रही है मीठी मटर, वो आप जल्दी से ले लीजिए और इस मेथड से स्टोर करके देखिए। तो ये दो तरह से स्टोर करी जाती है, एक है ब्लांचिंग सिस्टम और एक बिना ब्लांचिंग के। तो आज मैं इजी वाला बिना ब्लांचिंग के आपको सिखाने जा रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें ब्लांचिंग वाला आपको सिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने मटर ले ली है और इसको छील लिया है, इसके दाने निकाल लिए हैं। अब आप इसको छोटे छोटे पाउच में, जैसे ये पॉलीथीन है जिप लॉक वाले, इसमें आप फिल कर लीजिए, या कोई आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो उसमें फिल कर लीजिए। जैसे आपकी फैमिली में जितना एक बार में कंज्यूम होता है, उतना छोटा छोटा क्वांटिटी में आप स्टोर करके रखेंगी, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी निकालेंगी तो वो एक पैकेट आप निकाल लेंगी, तो दूसरे वालों को डिस्टर्ब नहीं होगा, तो दूसरे खराब नहीं होंगे। पूरे साल अच्छी तरह से इनका टेस्ट एकदम सही रहता है। और अगर बड़ी पॉलीथीन में आप इसको रखती हैं एक साथ, तो जितनी बार निकालेंगी उतनी बार टेम्परेचर चेंज होगा, फिर रखेंगी उसको तो वो उनका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए आप छोटे छोटे पॉलीथीन में इसको पैक कर लीजिएगा। तो मैं आपको पॉलिथीन में करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आप फ्रीजर में रख दीजिएगा। छोटे इसे भी आप छोटा पैकेट कर सकती हैं, तो वो छोटी छोटी जगह पे सब आ जाएगा। ये इस तरह से पॉलीथीन में आप सारी मटर पैक कर लीजिए। इससे छोटी पॉलीथीन भी आप ले सकती हैं, और जितनी आपको पूरी गर्मी में ज़रूरत है उतनी मटर उतनी पॉलीथीन बना लीजिए और उसको फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। तो इसका पूरी गर्मी इसका मटर का टेस्ट एंजॉय करिए और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से शेयर भी करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।